तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट का एक हॉट एयर बलून टाइप का बुके। उसके लिए मैंने एक ये कैंडी का बॉक्स लिया है और ये चार्ट पेपर लिया है। आप कोई भी कलर के पेपर ले सकते हैं और चार्ट पेपर से इसको प्रॉपर रैप करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉक्स पूरी तरह से मैंने रैप कर लिया है। मैंने यहाँ पर चार्ट पेपर यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए अंदर इस पर एक बेस दूंगी। बेस के लिए मैंने ये थर्माकोल लिया है जो मुझे गिफ्ट बॉक्स में आया था। आप कोई भी फोम शीट या थर्माकोल शीट यूज़ कर सकते हैं। मुझे वैसे कट करके यहाँ सेंटर पे लगाऊंगी, तो मैंने ये फोम शीट कट कर ली है और अब मैं इसे बीच में इसके सेंटर पे फिक्स करूँगी। इसे ऐसे बेस की तरफ फिक्स कर देना है। अब यहाँ पे मैंने पनीर टिक्के वाली ये स्टिक्स ली हैं, वुडन वाली, वो हमें इसके फोर कॉर्नर पे फिक्स करनी है। ये हमारे हॉट एयर बलून का बेस बनेगा जो बलून को सपोर्ट देगा, सॉरी इसकी पॉइंटेड निडल नीचे के साइड होगी जिससे हमारा बलून बस्ट नहीं होगा। चारों कलर मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक बलून लूंगी और इसे ब्लो करूंगी। अब ये मैंने बलून को ब्लो कर लिया है। थोड़ा सा इसके बेस पे मैं एक थर्माकोल वाला फोम वाला बेस और लगाऊंगी जिससे कि ये स्टिक्स प्रॉपर फंसी रहें। स्टिक्स को एजस्ट पे ही रखना है और इसके ऊपर बलून को रख देंगे। अभी हमारा हॉट एयर बलून थोड़ा सा शेप में आ चुका है और अब इसको मैं थोड़ा सा रिबन से डेकोरेट करूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपनी बास्केट को रिबन से डेकोरेट कर लिया है और अब ये मेरे पास सारी चॉकलेट्स है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं इसमें जैसे आपको ठीक लगे। ये गिफ्ट मैं एक बर्थडे के लिए बना रही हूँ, उसमें मैं यहाँ पर एक हैप्पी बर्थडे का टैग भी अटैच कर दूंगी। इस पर मैंने बलून फिक्स कर दिया है। बलून को फिक्स करने के लिए मैंने ग्लू ड्रॉप्स का यूज़ किया है, तो अब ये फाइनल रेडी है। आप मुझे बताइए कि आपको ये हॉट एयर बलून बुके कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।